हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स, आपका भाई आज काफ़ी दिनों बाद भाई स्टूडियो से बाहर आया है वीडियो बनाने। देखिए काफ़ी हरारा सा लग रहा है और काफ़ी भाई अच्छी सांस आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बने किक स्कूटर, फ्रेंड्स वो भी घर के कबाड़े से, वेस्ट मटेरियल से। तो फ्रेंड्स बहुत चीप आपको पढ़ने वाला है और 100% मजा देगा। प्लीज दोस्तों वीडियो कम पे वॉच कीजिएगा। चले फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए समर एक्सपेरिमेंट, चलिए गाइस शुरू करते हैं। भाई मेरा मूड आपको कैसा लग रहा है? मूत्रा उतरा सा लग रहा होगा। तो चले गाइस शुरू करते हैं। यार उदास रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भाई जब तक जिंदा है उदम काट लेना, मरने बात किसने देखा भाई। तो चले गाइस। तो भाई यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 20 mm यानी 20 mm की प्लाई। आप बोर्ड भी ले सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स प्लाई काफी मजबूत होती है। और जिन्हें भाई तोड़ना है तो एम बोर्ड भी ले सकते हो, वो जल्दी टूट जा खड़ा होती। तो आप कोई तख्ता भी ले सकते हो इसकी जगह। भाई 24 inch और 6.5 inch अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये होममेड है, जैसे समझ आप हलवा बना सकते हो। हाँ मतलब इसे बना सकते हो। तो चले गाइस ज्यादा वक्त खराब करते हुए हम फटाफट इसके व्हील पर आते हैं। चलिए तो भाई व्हील के लिए मैं यूज करने वाला हूँ बैरिंग। देखिए गाइस मैं कबाड़े में से बैरी लेकर आऊँ, काफी गंदे हो रहे हैं। देखिए भाई कल की बासी खबर, इसे साइड में रखते हैं, बल्कि फेंक दिया मैंने। फ्रेंड जितने बड़े बैरिंग होगा उतना अच्छा रहेगा। और मैं कबाड़ में से इसलिए लाया हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी सस्ते चीप पड़ते हैं, अगर आप शॉप पे से लाओगे काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएंगे। अब क्योंकि भाई ये पुराने हैं तो फ्रेंड्स इनमें एक प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल जैम पड़े हैं। देखिए दोस्त बिल्कुल जाम हो रहे हैं, देखिए चलेंगे नहीं। दिन में कोई सा चालू है नहीं। हाँ देखिए ये थोड़ा सा चालू है, तो चलेगा इनके। तो देखिए ये भी थोड़ा सा चालू है और ये वाला भी देखो जाम पड़े। तो दोस्त ये तीन जाम पड़े, लेकिन हम सबको बिल्कुल से अच्छे से ना वॉश करेंगे और ना अच्छे से बिल्कुल फ्री करेंगे, मस्त चलने चाहिए। तो भाई यहाँ पे लेंगे कोई भी एक बॉक्स प्लास्टिक का, जिससे भी आपको मिल जाए। और भाई कोई पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जो भी, देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, मज़ा आ गया। चलो सारे डाल लेते हैं यार, हमें कुछ ज़्यादा पीना है रे। बस इसमें डुबा देते हैं और इन्हें तसल्ली से ऑयल को पीने देते हैं। थोड़ा बाद ये खुद ही अपना आप इसको रस्ट है जंग है वो हट जाएगा। तो भाई देखिए देखिए फ्रेंड्स, बस मैंने डाला है और देखिए ये चल गया, देख सकते हो क्या मस्त चल रहा है। तो भाई सिर्फ 15-20 मिनट में ही डाले रहने थे और आराम से इनके अंदर ऑयल पहुंच जाएगा, और जितना रस्ट है इनमें ऑयल लगा हुआ, ग्रीस लगा हुआ, सब हट जाएगा और ये बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। फ्रेंड्स मैं तो कहूँगा भाई मार्केट से भी अच्छे चलेंगे, बिल्कुल फ्री चलेंगे, अभी आपको पता लगे। चले फ्रेंड्स मैं सारों को फटाफट कर देता हूँ। तो लीजिए गाइस मैंने के सारे बिल्कुल फ्री कर दिए हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया, देखिए दो बहुत बढ़िया, तीन बहुत बढ़िया, चार बहुत बढ़िया, और देखिए खावाओश, देखिए सत्तर गुण सीना अरे खावाओश। और ACP प्रद्युम्न है नाम इनका, नू कुछ तो काला है दया, कुछ तो काला है भाई, काला नहीं है बैरिंग काला है। देखिए चले गाइस आगे चलते हैं। तो चलिए भाई फटाफट इसमें फिट करते हैं, फिट करने का जुगाड़ ही कुछ अलग होगा। तो भाई यहाँ पे घबराइए मत ना, मैं सिर्फ तीन बैरिंग यहाँ पे बड़े यूज़ करने वाला हूँ और शायद एक छोटा बैरिंग यूज़ करूँगा। फिलहाल हम तीन बैरिंग बनाते हैं। लाइक कर दो वीडियो को, काम कर लेते हैं यार। चलिए तो भाई ये वाला पाइप मैंने आखिर लिया क्यों है, देखिए इसके अंदर मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ। देखिए दोस्त देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा लगा तो देखिए ग्राउंड क्लियरेंस कितना कम हो गया, देखिए ये अड़ेगा ईंट पत्थरों में सब जगह। तो भाई हमें ऐसा करना है कि फ्रेंड्स ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ऊंचा हो, इस पर कुछ भी ना अड़े। तो मुझे थोड़ा ऊंचा बनाना है, उसके लिए मैं एक जुगाड़ मैंने सोचा है वो मैं अभी करता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोग जानती हैं IPL शुरू होने वाला है, तो फ्रेंड्स मैच तो हम घर बैठे एंजॉय करेंगे ही। लेकिन अगर मैं कहूँ आप क्रिकेट के स्किल से घर बैठे आसानी से 10 करोड़ रुपए तक की विनिंग्स जीत सकते हैं, इसके लिए सिंपली आपको प्लेयर्स बोर्ड एप्लीकेशन पर टीम बनाना है और लीग्स ज्वाइन करना है। गाइस प्लेयर्स बोर्ड पर 10 लाख का ग्रैंड लीग चल रहा है, जहां पर आपको फ्री एंट्री मिलेगी और उसके साथ 1.20 करोड़ का लीडर बोर्ड, BMW बाइक, ऐसे बहुत सारे प्राइजेस जीतने को मिलेंगे। और अगर फैंटेसी गेम से हटके बात करें तो मेरा फेवरेट गेम है लूडो। यहाँ पर आप लूडो जैसे इजी गेम खेलकर भी 10 करोड़ तक का डेली कमा सकते हो। भाई आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स प्लेयर्स बोर्ड पर हम क्यों खेलें, तो गाइस ये 100% श्योर मेड इन इंडिया है, यानी कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स डेली खेलते हैं। गाइस सबसे बड़ी बात है इसमें विड्रॉल भी काफी इजी है, KYC का कोई झंझट नहीं है, मनी जीतने के बाद में डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसमें आपको हर तरीके के गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि चेस, रमी, सांप सीढ़ी, जो कि आप बचपन में भी खेलते थे। प्लेयर्स बोर्ड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए डाउनलोड कीजिए और हमारा प्रोमो कोड यूज कीजिए प्लेस 200, जिससे आपको 200
सारा बोनस मिल जाएगा। जाइए भाई विजिट कीजिए और खूब सारा अर्न कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना पाइप ले लिया है, ये फ्रेंड्स मेरे घर में पड़ा था, देखिए आप कबाड़े से भी ला सकते हो, काफी चीप रेट मिल जाएगा। मैंने कट कर लिया है 21.5 सेंटीमीटर का, और भाई देखिए बहुत ही मजा आने वाला फ्रेंड्स, कुछ नया आज आपको सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से मैं इसको लगाने वाला हूँ, और देखिए एक फायदा आपको मिल जाएगा इस पाइप को लगाने से, ये मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। फटाफट मैं इसे वेल्डिंग कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर वेल्डिंग करने के बाद देखिए यहाँ से स्पेस काफ़ी खाली है, तो भाई इस पर देखिए इस तरीके से लोड ना पड़े या जल्दी से ना टूटे, तो भाई इसके लिए मैं एक सपोर्ट का यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से यहाँ पर इसे वेल्ड कर दूँगा। तो लीजिए गाइस ये वाला पार्ट तो तैयार हो चुका है। देखिए एक तरह का कैसा डिजाइन कुछ लोगो टाइप का लग रहा है, जैसे किसी ब्रांड ने बनाया हो, और देखिए दो तरफ मैंने एक्स्ट्रा कर लिया और यहाँ पर होल भी कर दिए। तो चलिए भाई अब इसे लगाते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और बिल्कुल मिड में लगाने की कोशिश करें। ये पहिए बिल्कुल सीधे होने चाहिए, जो बैरिंग है बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होने चाहिए। तो चलिए गाइस फटाफट इसे यहाँ पर लगाते हैं, पहले देख लेते हैं कैसे लगा लेते हैं। तो लीजिए गाइस देखिए बाइक का मस्त बना है, और ग्राउंड क्लियरेंस देखिए कितना ऊंचा हो गया। देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसे डायरेक्ट लगाते तो बाइक ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम होता, पत्थर रोड़ी अड़ते। और एक बात और देखिए मैं आपको दिखा रहा, देखिए यहाँ से बिल्कुल प्लेन सरफेस है, देखिए यहाँ पे कोई भी टायर या कोई भी एक बैरिंग बाहर नहीं निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये चढ़ते वक्त इसके ऊपर या इसके ऊपर राइडिंग करते वक्त बिल्कुल भी आपके पैरों में जूतों में शूज में नहीं अड़ने वाला, बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, आप इस तरीके से कर सकते हो। चले फ्रेंड्स अब इसका आगे इसके हैंडल पाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा एक बैरिंग जो कि सेम साइज का है, आप तो फ्रेंड्स इससे छोटा भी ले सकते हो, मैं सेम साइज का ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका मुंह बंद करना है। तो भाई ये पाइप है और इसके अंदर लगभग फिक्स आ ही जाएगा। चलिए भाई काफ़ी सारे जुगाड़ करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो प्लीज़ बन रही है। तो लीजिए गाइस फ्रंट वाला पार्ट तो तैयार हो गया और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। देखिए और यहाँ पर मैंने ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ा, इसका एक रीज़न है मैं आपको अभी बता दूंगा। तो भाई हैंडल के लिए सबसे सिंपल और सबसे सस्ता जुगाड़ GI का पाइप यूज़ करूँ, जो कि पुराना पाइप है। देखिए इस तरह से मेरे घर में से निकला हुआ था और ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा दोस्त। देखिए और मैं इसे 34 इंच कट करूंगा, आप ज़्यादा चाहे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो लीजिए भाई कट चुका है 34 इंच, और अब इसे डायरेक्ट इस पर वेल्ड करना है। तो गाइस इस पर काफ़ी मजबूती से मैंने वेल्डिंग कर दिया है, देखिए बहुत ही बेहतरीन वेल्डिंग हुआ है। और भाई अब लेते हैं बैरिंग और सीधा इसके अंदर। तो लीजिए गाइस इसका हैंडल लगभग कंप्लीट हो चुका है, देखिए इस तरीके से ये घूम जाएगा। देखिए ठीक है, तो चले गाइस अभी इसे फिट करते हैं। तो भाई हमारी गाड़ी आ गई है, वो थोड़ा इसके बिल्कुल मिड में अंदर से मार्क लगाना है। तो यहाँ पर मुझे ये वाला पाइप इसके अंदर फिक्स करना है, तो इसका मुझे होल करना पड़ेगा। फास्ट होल करने के लिए मैं होल सा का यूज कर रहा हूँ। तो चले गाइस इसमें डाल के देखते हैं, बहुत ही बढ़िया रहा है, मैंने थोड़ा बड़ा क्यू लिया है, मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही बेहतरीन अभी सी बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अब देखिए गाइस यहाँ से थोड़ा ऊपर उठ रहा है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। इसका रीज़न एक ही है कि देखिए हमने बैरिंग बराबर यूज़ किया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अलग टाइप से बैरिंग लगा है और यहाँ पर दूसरी तरीके से बैरिंग लगा है। देखिए जैसे कि हैंडल के अंदर तैयार किया इतना, यानी कि अप्रोक्स 1.5 इंच ऊपर है, लेकिन फ्रेंड्स एक फ़ायदा हो गया कि हमारा जो हैंडल था वो थोड़ा सा एंगल में हो गया जितना हमें चाहिए इसका, ठीक है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। अब देखिए मैंने ये वाला होल बड़ा क्यों किया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक तो आप ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीस डाल सकते हो, ऊपर से देखिए दोस्त ये जो एरिया है तो वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस पर अड़ता है, ठीक है। तो देखिए अभी वेल्डिंग वाला पार्ट अलग रह जाएगा, तो इतना तरह इसमें अड़ा रहेगा, तो आपका जो हैंडल काफ़ी स्मूथ रन करेगा, स्मूथ चलेगा और आप आराम से इसे इधर उधर कर पाओगे।
तो भाई लीजिए, हैंडल भी काफी बढ़िया चल रहा है इसका, देख सकते हो। तो भाई यहाँ तक तो हो चुका है, अब आते हैं इसके हैंडल पर। ड्रुम ड्रुम। तो भाई ये मैंने अंदाज़े कट किया है, देखिए अच्छे से बस ग्रिप आनी चाहिए, ठीक है। और अगर लेंथ देखी जाए तो 11.5 इंच। तो चले गाइस, अब इस पर कलर कर देते, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो लीजिए गाइस, हैंडल भी कंप्लीट हो चुका है, अभी पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस पर हेडलाइट लगा लेते हैं और इसमें मोटर स्टोर कर लेते हैं। तो भाई हेडलाइट बनाने के लिए मैं ले रहा हूं 40 mm का पीवीसी का पाइप। फटाफट दोस्त बना देता हूं मैं इसकी हेडलाइट, बने रहिए। तो यहाँ पर LED को ऑन ऑफ करने के लिए एक टॉगल स्विच का यूज कर रहा हूँ, इसे पावर देने के लिए एक बैटरी का। देखिए बैटरी की मैं आपको MAH दिखा दूँ, देखिए 380 mA की है और 4.2 वोल्टेज है, जिसमें हम 3 LED चलाने वाले हैं। और बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल जो कि 5 वोल्ट का चार्ज मॉड्यूल है। तो चलिए इन सारे कंपोनेंट्स को इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो देखिए गाइस, सारे कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। देखिए ये मैंने इसलिए लगाया फ्रेंड जिससे इसकी प्रोडक्शन रहे बैटरी की। और भाई ये मैंने थोड़ा दूसरा लगा दिया फ्रेंड्स, ये वाला मॉड्यूल मेरा थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, ये ओके है। और देखिए ये तो मैंने आपको चला के दिखाई दिए, और आप इससे चार्ज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे अंदर फिट करेंगे तो आप इसे इससे चार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी ईजी कनेक्शन है, और इसका क्या काम है ये मैं आपको अभी बता दूंगा। देखिए ये सीधा मॉड्यूल में लग रहा है, देखिए सीधा जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसकी जगह। यहाँ पर इसे चार्ज करके देख लेते हैं, देखिए यानी कि बैटरी रिचार्ज हो रही है। तो भाई ये बन चुके कंप्लीट हेड लैंप हमारी स्कूटर का। और देखिए इसे आप आराम से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से इसे चार्ज कर सकते हो। और इस वायर का क्या काम है ये मैं अभी बता दूंगा। और भाई लाइट को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर माहौल कर देंगे। तो गाइस इसका हेडलैम्प लग चुका है, और इसके बाद यहाँ से ये गए, और देखिए ये मैंने नीचे को निकाल दिए। अब लगाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मोटर। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 12 volt DC गियर मोटर, जो कि 1000 RPM का है। और देखिए अगर मैं इस पर लगाता हूँ तो ये पावर जनरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा चलाने के लिए। देखिए देखिए आराम से फ्रेंड्स यानी कि बैटरी को रिचार्ज कर सकता है। और इस पर मैंने लकड़ी का पीस लगा लिया है, जिसे देखिए घुमाने में आसानी हो, जिससे कि मैं यहाँ पर सीधे इस बैरिंग से टच कर सकूँ। और देखिए अभी तो फ्रेंड्स ये चल रहा है, लेकिन ये स्लिप होगा काफ़ी, क्योंकि दोस्त ये आयरन है, और इस पर आराम से देखिए मेटल बहुत जल्दी स्लिप होगा। तो चलिए इस पर कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं जो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी स्लिप ना हो। देखिए देखिए स्लिप हो रहा है, देखिए देखिए बिल्कुल अगर जान से देखिए मिला दूँ तो सही है। तो भाई ये रही साइकिल की ट्यूब जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, और ये काफ़ी अच्छा और सस्ता जुगाड़ है। तो अब ये पक्का बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी। चलिए इसे फिट करते हैं। मोटर को रोकने के लिए मैंने 2 क्लिप तैयार कर लिए हैं पीवीसी शीट की। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुकी है, चले फटाफट दोस्त की टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जब बैरिंग घूमेगा तो देखिए इसके साथ मोटर भी घूमेगा, तो ये पावर बनाएगा और उसकी पावर सीधा जाएगी बैटरी में। आपको किसी भी चार्जर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने लगा दिया है क्योंकि सिस्टम था तो लगा दिया, आप इसे चार्ज कर सकते हो। और बच्चे फ्रेंड्स नाइट में चला सकेंगे, उन्हें काफ़ी मजा आएगा। तो चले गाइस यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डलाना है क्योंकि इसके अंदर मोटर तो नहीं, मतलब मोटर तो है लेकिन फिर इसे चलाने के लिए नहीं है, बैटरी चार्ज करने के लिए है। चलिए गाइस यहाँ पर देखते हैं चला के। वाह देखिए हैंडल भी काम कर रहा है बढ़िया, देखिए देखिए
देखिए बहुत मस्त काम कर रही है। तो गाइस अभी तक तो हमने इसका ढलान पर टेस्ट किया था फ्रेंड्स, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। अब भाई देखते हैं क्या होता है। तो चले गाइस फटाफट इसकी राड लेते हैं, भाई मुझे तो काफी एक्साइटमेंट है। मुझे इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये लगी भाई, इसके जो बैरिंग काफी आवाज करते हैं। अगर आप प्लास्टिक के या रबर के व्हील्स में लगाओगे तो फ्रेंड्स वो आवाज नहीं करेंगे, लेकिन भाई बहुत ज्यादा लोड ले आते हैं फ्रेंड्स ये बैरिंग है, और जितना इन पर लोड पड़ता उतनी स्मूथ चलते हैं। देखिए देखिए बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे वर्क भी करता है। तो चले गाइस अब फटाफट इसकी नाइट की टेस्टिंग लेते हैं, भाई नाइट में कैसा परफॉर्मेंस देती है हमारी हेडलाइट, मतलब हमारी इसकी हेडलाइट। तो भाई यहाँ पे गुपचुप अंधेरा है, फटाफट मैं स्विच ऑन करता हूँ। लीजिए वाह देखिए दोस्त क्या मस्त लाइट है, बच्चे मेरे ख्याल दिन में तो नहीं रात में जरूर चलाएंगे इसे। देखिए बहुत बेहतरीन ऑटोमेटिक मोटर लग गया अपना चल रही है। तो भाई मैंने इसे रोड पर चला के देखी और टेल पर फर्श पर चला के देखो भाई साहब क्या मस्त चल रही है। देखिए देखिए वाह देखिए अपना चल रही क्या मस्त चल रही थी, बहुत बेहतरीन। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ यूजफुल होगी। फ्रेंड्स सारा का सारा मैं लगभग कपाड़ा इसमें यूज किया, आप आराम से बनाकर बच्चे को दे सकते हो। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को, और मुझे बताएं फ्रेंड्स आपकी वीडियो कैसे लगी, ये जुगाड़ आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो, बहुत सारे पैसे कमाओ। थैंक यू सो मच।